हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्यूटी विद बॉबी एंड आई एम बॉबी। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चारकोल मास्क के बारे में। ये हमारा चारकोल मास्क है, ठीक है। इसे मैंने अभी टियर किया है क्योंकि मुझे यहाँ देखना था कि सेंसिटिविटी इसमें है या नहीं है, मेरे हाथों में जलन हो रही है या नहीं हो रही है। कोई भी मास्क लगाने से पहले आपको ये जाँच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा कुछ होता है, जलन हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसे यूज़ ना करें। तो आपको बता दूं कि मास्क जो है वो करता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करता है जो कि हमारे फेस में होते हैं। फिर आपके जो पोर्स में डस्ट जो भी है उसे ये बाहर निकालता है। तो चलिए मैं आपको ये यूज़ करके बताती हूँ। तो इसके लिए पहले आपको अपने फेस को अच्छे तरह से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आप अपना हेयर को टाई कर लेना है लाइक मी। तो मैं अब आपको ये यूज़ करके बता रही हूँ। ये मास्क एक्चुअली बहुत थिक है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस मास्क को आपको आई एरिया में बिल्कुल भी नहीं डालना है, ना लिप्स में डालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे मैं अपने लिप्स एरिया से दूर ही यूज कर रही हूँ। और आपको आई के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं लाना है। अगर आ जाता है तो आप तुरंत अपने आई को वॉश कर लें। आप चाहे तो कोई ब्रश भी यूज कर सकते हैं इसे अप्लाई करने के लिए, बट ये थोड़ा थिक है तो इसलिए मैं फिंगर से ही यूज कर रही हूँ। इसे आईब्रोज से भी दूर रखने हैं वरना ये इसमें चिपक जाएंगे हेयर्स और आपके हेयर्स निकल भी सकते हैं। देखिए, ये मैंने पूरे फेस में अप्लाई कर लिया है। आप ये मास्क यूज अप्लाई करने के बाद इसे 15 टू 20 मिनट तक फेस में रखना होता है, तो आप रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे पील ऑफ करने वाली हूँ, तो ये थोड़ा पेनफुल भी होगा। और जब भी आप इसे पील करें तो इसकी हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में पील करना होता है। इसे सूखने में 20 मिनट्स लगे हैं, इवन और भी लग सकते थे बिकॉज ये बहुत थिक था, बट मैंने इसे हटाना है ठीक समझे, क्योंकि 15 टू 20 मिनट इज इनफ। अब आप फोरहेड के मास्क को ऊपर से नीचे की तरफ खींचें। देख सकते हैं मैंने इसे पील कर लिया है। अब देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आ गए हैं। और ये जो आपको काला काला दिख रहा है ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे अच्छे से सूखा नहीं था, तो आप इसे अच्छे से सूखने दें। मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है। अब आप एक टिश्यू पेपर में थोड़ा सा रोज़ वाटर ले
इसे अपने फेस को वाइप अप करें, जिससे आपका फेस टोन अप हो जाएगा। जो भी ब्लैक पार्ट्स या फिर चारकोल बचे होंगे वो भी हट जाएंगे अच्छे से। आफ्टर दैट आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हैंड पे लें और एज अ मॉइस्चराइजर इसे यूज कर सकते हैं। ये था हमारा चारकोल पील ऑफ मास्क वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखना ना भूलें।